Welcome back students to the next lecture of pharmaceutics 1. As you all know the chapter is introduction to different dosage form. इसमें आप लिको डोजेस फॉर्म पढ़ रहे हो. लिको डोजेस फॉर्म में आप मोनोफेसिक पढ़ रहे हो और मोनोफेसिक में आपने पहले ओरली एडमिनिस्टर होने वाले लिको डोजेस फॉर्म पढ़ी. उसके बाद आपने स्किन के ऊपर अप्लाई होने वाले लिको डोजेस फॉर्म पढ़ी. उसके बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लिको डोजेस फॉर्म है जिनको आप बॉडी की कैविटीज में अप्लाई करते हो. तो आप इसी में कंटिन्यू करते हैं. हम आगे नेक्स्ट इज आई ड्रॉप्स. आई ड्रॉप्स नेम से समझ में आ रहा है आईज में स्मेल होने वाला. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आई ड्रॉप्स. आई ड्रॉप्स आर स्टेराइल सॉल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ ड्रग्स इंस्टेड इनटू द आई विद अ ड्रॉपर. तो आई ड्रॉप्स क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर स्टेराइल प्रिपरेशन. स्टेराइल मींस फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सेकंड ये सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और सस्पेंशन भी हो सकते हैं. अगर आपकी ड्रग जो है वो आपके व्हीकल में सॉल्युबल है तो ये सॉल्यूशन होंगे. अगर आपकी ड्रग जो है व्हीकल में सॉल्युबल नहीं है तो ये सस्पेंशन होंगे. तो स्टेराइल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं सस्पेंशन भी हो सकते हैं जिनको आप आई के अंदर डिस्टिल करते हो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप. मोस्टली क्या होता है कि हम जो व्हीकल यूज करते हैं आई ड्रॉप्स में मोस्टली वाटर यूज करते हैं. एक्वस व्हीकल बनाना होता है. तो रीजन आपको बहुत सिंपल है कि हमारी आईज में जो लैक्रिमस स्पीशंस हैं जो आईज के टीयर्स होते हैं लैक्रिमस स्पीशंस होती हैं वो वाटर बेस्ड है. तो अगर आप ड्रग को वाटर के अंदर डिजॉल्व करके आईज में डालते हो तो ईजिली वो सिक्रीशंस के साथ मिक्स हो जाते हैं. अब जो आई ड्रॉप्स हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है क्या क्या प्रॉपर्टीज उनकी होनी चाहिए. फर्स्ट इज स्टेराइल. स्टेराइल मींस फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये जो प्रोडक्ट होती हैं ये माइक्रो फ्री होती है. सेकंड आइसोटोनिक विद लैक्रिमस सिक्रीशंस. ये जो प्रोडक्ट होती है आई ड्रॉप्स इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपकी लैक्रिमस सिक्रीशंस के साथ मैच करना चाहिए. थर्ड इज बफर. इनकी पीएच भी जो है वो लैक्रिमस ग्रुप के साथ मैच करनी चाहिए. देन फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. इनके अंदर किसी भी तरह का डस्ट फाइबर या कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए. क्योंकि आप जानते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी जब आप आई ड्रॉप्स आईज में डालेंगे तो आईज में इरिटेशन प्रोड्यूस होगी और आपकी आई जो है आपकी बॉडी का सबसे सेंसिटिव एरिया होती है. तो इसके अलावा आई ड्रॉप्स को हमें सूटेबली प्रिजर्व करना होता है. वो उसके जो मल्टी डोज कंटेनर आते हैं मोस्टली आई ड्रॉप्स के मल्टी डोज कंटेनर आते हैं उनके अंदर कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव डाला गया होता है जैसे क्लोरहेक्सिडिन एसिटेट फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट मेथाइलकोनियम क्लोराइड ये अलग अलग कंसंट्रेशन में इन प्रिजर्वेटिव्स को डाला गया होता है. ये प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं जितनी भी शेल्फ लाइफ होती है आई ड्रॉप्स की आपने पढ़ा है इनका कि जो आई ड्रॉप्स का कंटेनर होता है उसके ऊपर क्या लिखा होता है यूज विद इन 15-30 डेज या विद इन 7 डेज विद इन 10 डेज आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर. मतलब जब आपने एक बार बॉटल को ओपन कर लिया उसकी सील ब्रेक कर दी उसके 10-15 जितने भी दिन लिखे हैं उतने देर तक ही आप उसको यूज करेंगे. अगर वो बच जाता है उसको आपको डिस्कार्ड करना पड़ता है उसको आप यूज नहीं कर सकते. रीजन बिहाइंड कि जो प्रिजर्वेटिव आपने अंदर डाला हुआ है उसका इफेक्ट सिर्फ उतने दिन तक है यानी उतने दिन तक वो प्रिजर्वेटिव स्टेराइल प्रिपरेशन में कुछ और
समझेंगे जो ड्रग के साथ रखना है। ग्लास के कंटेनर के ऊपर जो रबर टी आप यूज करते हैं, कैप जो लगी होती है, वो भी ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई भी रिएक्शन ड्रग कंटेंट्स के साथ ना हो। जब भी आप अपने आई ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। फर्स्ट क्या है कि आपने यूज करने से पहले हमेशा आई ड्रॉप्स को चेक करना है। अगर आपको कोई कलर चेंज दिखाई देती है, जब आपको कोई क्रिस्टल्स नीचे बैठे दिखाई देते हैं, तो आपने उन आई ड्रॉप्स को यूज नहीं करना। सेकेंड क्या है, नेवर टच द डिपॉन द कंटेनर। आपको मालूम है हमारे जो फिंगर्स होती हैं उनके इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं, इसलिए क्योंकि ये वाइब्रेशन जो मिस कर रहे हैं, आपने कभी भी कंटेनर की टिप को टच नहीं करना। उससे क्या होगा कि आपके फिंगर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कंटेनर में ट्रांसफर हो सकते हैं और उसकी स्टर्नलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। फिर कभी भी जो ड्रॉपर होता है उसकी सरफेस को टच नहीं करना है आपको, इसी तरीके से आप उसको कंटेमिनेट कर सकते हैं। और मेन चीज, जो पैकिंग के साथ ड्रॉपर आता है वो पीछे से स्टरलाइज होकर आता है, तो आपने कभी भी उसको वाटर के साथ रिंस नहीं करना। वाटर के साथ रिंस करके क्या करेंगे आप, उसकी स्टरलाइजेशन को इफेक्ट करेंगे। और इसके अलावा हमेशा ड्रॉपर आपने ऐसे ऊपर से ही पकड़ना है, नीचे से उसको टच नहीं करना है, उसको अपर एंड से ही आपने होल्ड करना है। और इसके अलावा एक और प्रिकॉशन होती है, जब आप आंखों में आई ड्रॉप्स डालते हैं तो कभी भी आपने आईज को जोर से ब्लिंक नहीं करना है। सिंपल रीजन है उसका, आप जानते हैं आपकी आई की कैविटी कितनी छोटी है, उसमें कितनी स्पेस होती है। जब आप आईज में आई ड्रॉप्स डालते हो तो अगर आप जोर से ब्लिंक करते हो या बार बार ब्लिंक करते हो तो क्या होता है, जो ड्रग है वो बाहर आ जाती है और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। जब तक ड्रग आपकी आई की कैविटी में एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसलिए ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपने पेशेंट को भी समझानी है। तो आपने मार्केट में पैकिंग देखी होगी, अलग अलग तरह की पैकिंग आती है आई ड्रॉप्स के लिए, कईयों में सेपरेट ड्रॉपर आता है, कईयों में साथ में अटैच आता है, और आजकल जो आ रहा है आजकल पीछे से होल किया आ रहा है जिससे कुछ ड्रॉप भी बाहर आते हैं। तो ये है आपका टॉपिक आई ड्रॉप्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट इज आई लोशन या इनका दूसरा नाम होता है आई वॉशेस, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन क्या है, एक्वा सॉल्यूशन फॉर वॉशिंग द आई, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है आई वॉश सॉल्यूशन, जिनको आप आई को वॉश करने के लिए, आई की कैविटी को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, वो बोलते हैं आई लोशन और आई वॉशेस। अब ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये भी आपने आइसोटोनिक ही बनाने होते हैं, इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी लैक्टिमस क्रिएशंस के साथ मैच करना चाहिए, और ये जो आते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। जब इनको यूज करना होता है इनको वार्म वाटर के साथ डाइल्यूट करके ही यूज करना होता है। तो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे आपने प्रैक्टिकल में भी बनाना है, सोडियम क्लोराइड आई वॉश, सोडियम बाइकार्बोनेट आई वॉश, ये जो सॉल्यूशंस होते हैं मोस्टली ये फ्रेशली प्रिपेयर बनाए जाते हैं, हार्डली 2 से 3 दिन तक मैक्सिमम इनको स्टोर किया जाता है, इससे ज़्यादा इनको स्टोर नहीं किया जाता, नहीं तो इनमें माइक्रोब्स की ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं। ये भी फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल होने चाहिए, इनकी भी पीएच आपकी आई की सॉल्यूशंस के साथ मैच करनी चाहिए। ये है आपका टॉपिक आई लोशन, और इसके फॉर्मूले आपकी बुक में दिए गए हैं, आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ईयर ड्रॉप्स, ये आपको नाम से समझ में आ रहा है, डेफिनेशन आप खुद नाम से बना सकते हो। ईयर ड्रॉप्स की डेफिनेशन क्या है, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग्स स्प्रेड इनटू ईयर विद अ ड्रॉपर। ईयर ड्रॉप्स क्या होते हैं, ये ड्रग्स के सॉल्यूशन है जिनको आप ईयर की कैविटी में डालते हो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, स्प्रेड करते हो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब ईयर ड्रॉप्स जो होते हैं, ईयर ड्रॉप्स में आप कौन से व्हीकल यूज कर रहे हो, वाटर भी यूज कर सकते हो, मिनिमम कैसे वाटर यूज किया जाता है, ग्लिसरीन भी यूज की जाती है, प्रॉपिलिन ग्लाइकोल यूज किया जाता है, एल्कोहल यूज किया जाता है। मोस्ट पॉपुलर जो व्हीकल है वो ग्लिसरीन है या प्रॉपिलिन ग्लाइकोल है। वाटर को काफी कंडीशंस में अवॉइड किया जाता है, रीजन बिहाइंड इज कि वाटर जो आपकी ईयर की जो स्पीशीज है वो ऑयली नेचर की है, वैक्स ऑफ ईयर के अंदर, तो वो सिचुएशन जो है वाटर बेस्ड सॉल्यूशंस के साथ मिक्स नहीं होती है, मिसिबल नहीं होती हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम ऑयली नेचर का या ग्लिसरीन या प्रोपिलीन
कहाँ यूज होते हैं, मोस्टली अगर ईयर में कोई इन्फेक्शन हो तब ब्लड में सूचना बंद करा होते हैं, जहाँ वैक्स की डेपोजिशन ज़्यादा हो रही है तो सॉफ्टनिंग हो वैक्स के लिए, या ईयर में कोई इंजरी हुई है ठीक है ब्लीडिंग वगैरह होने के दबा ईयर ड्रॉप्स डाल रहे हो, ईयर की वैक्स को रिमूव करने के लिए, या ईयर में किसी कंडीशन है तब आप ईयर ड्रॉप्स डाल रहे हो, ये भी जो है डॉक्टर की हेल्प के साथ ही डाले जाते हैं। इसके साथ आपके जितने भी सॉल्यूशन जितने भी प्रोडक्ट्स जो हैं बॉडी की कैविटी में यूज होती है लिक्विड प्रिपरेशन वो सारी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर। अब लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बायोफिजिकल लिक्विड डोजेस फॉर्म। बाई मीन्स टू वो प्रिपरेशन जिनके अंदर दो फेज होते हैं। इसमें हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं सस्पेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट में भी आपको आ सकता है। सेकंड ईयर में तो पूरा चैप्टर है सस्पेंशन के ऊपर, इमर्शन के ऊपर फुल चैप्टर आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको जस्ट बेसिक करनी है कि सस्पेंशन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होती है, बायोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। बायोफिजिक यानी ड्रग का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो फेज है, इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन ए लिक्विड और सेमी सॉलिड मेटर। अब दो फेज में जो ड्रग के पार्टिकल्स हैं वो किसी लिक्विड मेटर में या सेमी सॉलिड मेटर में डिस्पर्स है, ठीक है। अब मैंने आपको एक जनरल डायग्राम यहाँ बनाया है, एक डायग्राम बनाया है जो आपको सस्पेंशन की एक्सप्लेनेशन करेगा। कैसे ये देखिए, ये लिक्विड है उसके अंदर हमने इनसॉल्युबल ड्रग डाली है, ड्रग जो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं हुई, अब अगर ड्रग डिजॉल्व हो जाती तो सॉल्यूशन बन जाता। यहाँ पे क्या है कि ड्रग जो है डिजॉल्व नहीं हो रही है, इनसॉल्युबल है, तो ड्रग के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो व्हीकल में डिस्पर्स हो गए हैं, इसलिए जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको बोलते हैं डिस्पर्स फेज। और जिस लिक्विड में वो डिस्पर्स हो रहे हैं क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फेज, डिस्पर्स फेज, कंटिन्यूस फेज। ये दो फेज होते हैं किसी भी सस्पेंशन में, जिसमें क्या होता है कि फाइनली डिवाइडेड मतलब हमने पार्टिकल्स को बहुत ही फाइन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और लिक्विड पेपर के अंदर डिस्पर्स करना है। अब जो पार्टिकल साइज रेंज होती है सस्पेंशन में दैट इज बिटवीन 0.5 टू 5 माइक्रोन, इतने बारीक पार्टिकल्स हम डिस्पर्स करते हैं, ठीक है। अब कुछ रीजन है इसके क्यों इतना बारीक हम बनाते हैं, देखिए मार्केट में जो सस्पेंशन आती है हर तरह के यूज के लिए आती है, ओरल यूज के लिए आती है, जो आपको मैंने जो ग्रैंड्यूस का टॉपिक कराया था उसमें बताया था कि जो पेडियाट्रिक्स यूज के जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं आजकल वो सस्पेंशन की फॉर्म में आ रही है, बट प्रिपेयर्ड सस्पेंशन ही आ रही है, जो प्लास्टिक की पैकिंग आ रही है उसमें जहाँ ग्रैंड्यूस होते हैं तो पाउडर वाला और एक मार्क लगा होता है ऊपर लिखा होता है कि एड फ्रेशली बॉयल एंड कूल्ड वाटर, आपको मार्क एंड शेक का बोतल है, ठीक है। जब आप शेक करेंगे तो
उसको आईज में भी इरिटेशन प्रोड्यूस होती है, इसलिए जो सस्पेंशन होती है उनमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि पार्टिकल साइज बहुत छोटा होना चाहिए, और इसके अलावा जहाँ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं कि सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड सेटल स्लोली। जैसे देखिए सस्पेंशन जो बनेगी आपकी उसके लेवल के ऊपर आपको क्या लिखना पड़ेगा, शेक वेल बिफोर यू, जहाँ आप लिखेंगे शेक द वॉटर वेल बिफोर यू, कि जब भी पेशेंट को डोज देनी है आपको अच्छे से वॉटर को शेक करना पड़ेगा। तो शेक वेल बिफोर यूज लिखेंगे आप, जिससे हम शेक करते हैं तो क्या होता है, ये जो ड्रग होती है ये अच्छे से, क्योंकि इनसॉल्वेबल ड्रग होती है, क्योंकि अच्छे से कंटिन्यूस बेस के अंदर डिस्पर्स हो जाती है। तो ये जितनी मैक्सिमम टाइम तक ये वहाँ पे डिस्पर्स रहेगी उतनी यूनिफॉर्म डोज जो है पेशेंट को दी जा सकती है। तो इसलिए ये जो सॉलिड पार्टिकल है इनको नीचे बहुत धीरे धीरे सेटल होना है, और जब भी आप शेक करें, जब नीचे बैठ गए हैं कोई बात नहीं नीचे सेटल हो गए हैं, पर जब भी आप वाटर को शेक करें रेडिली ही डिस्पर्स शेकिंग होता है कंटेनर। जब भी कंटेनर को आप शेक करेंगे रेडिली डिस्पर्स द्वारा से डिस्पर्स हो जाएगा, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रिक्वायरमेंट जो है वो है पार्टिकल साइज, हम कितना बड़ी पार्टिकल साइज बना लेते हैं। अब जितना टाइम सस्पेंशन स्टोर होती है ऐसा ना हो कि पार्टिकल साइज एक दूसरे के साथ एग्रीगेट बना के बड़े बड़े पार्टिकल्स बना लें। जो पार्टिकल साइज है ड्यूरिंग स्टोरेज काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैंडिंग होता है, तो उतने टाइम पीरियड में वो पार्टिकल साइज कॉन्स्टेंट रहे, बहुत बड़ा ना हो। थर्ड क्या है, और रेडली एंड इक्वली फॉर्म द कंटेनर। जिस भी बॉटल में आपने पैक किया है, सस्पेंशन हमेशा डिस्कस होती है, तो जिस भी बॉटल में आपने पैक की है जब उसे पोर करते हो आप रोज ड्रॉ करने के लिए इवनली, मतलब एक जैसे निकले और रेडी आराम से बाहर आ जाए, ये ना हो कि वो नीचे सेटल हो गए बाहर आए, क्लियर। और फोर्थ क्या है, फ्री फ्रॉम लार्ज पार्टिकल। तो अभी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था कि अगर पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा ओरल में क्या प्रॉब्लम आएगी, इंजेक्शन में क्या प्रॉब्लम आएगी, आई सस्पेंशन में क्या प्रॉब्लम आएगी, एक्सटर्नल यूज में क्या प्रॉब्लम आएगी। इसलिए यही ट्राई किया जाता है कि पार्टिकल साइज हमेशा बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि जो सस्पेंशन है उसमें अगर वो थोड़े बहुत एग्रीगेट बन भी जाए तो लार्ज पार्टिकल्स ना हो। अब जो सस्पेंशन है इसकी जो पैकिंग होती है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, ऊपर एडिक्वेट स्पेस बॉटल में ऊपर दी जाती है, ताकि जब हम बॉटल के ऊपर लिखते हैं ना शेक वेल बिफोर यूज, इसमें भी आपको सेकेंडरी लेवल लिखना पड़ता है शेक वेल बिफोर यूज, ठीक है। तो अगर बॉटल में स्पेस होगी तभी जब आप शेक करेंगे तभी ये लिक्विड है प्रॉपरली मूव कर पाएगा। तो इसलिए पैकिंग जो आती है उसमें ऊपर एडिक्वेट स्पेस फॉर शेकिंग होनी चाहिए, और इसके जो कंटेनर होते हैं प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, ग्लास के भी हो सकते हैं। स्टोरेज इसकी कभी भी इसको आपने फ्रीज नहीं करना होता, अगर आप फ्रीज करेंगे तो ये जो आपकी ड्रग है